जब से आनंद एल राय ने शाहरुख खान के साथ अपने आगामी फिल्म की घोषणा की है, उससे जुड़ी कई अफवाहें सामने आ चुकी हैं। फिल्म को न जाने कितने ही टाइटल मिल चुके हैं, लेकिन बता दें, अब इंतजार खत्म हुआ। सूत्रों की माने तो शाहरुख खान की इस फिल्म का नाम होगा बटला, जिसका मतलब होता है छोटा। फिल्म में शाहरुख खान एक बौने आदमी का किरदार निभा रहे हैं, जबकि उनके साथ देखेंगे अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि मुंबई में अगला शेड्यूल शूट किया जाएगा। खास बात है कि यह कोई गंभीर फिल्म नहीं है। फिल्म की कहानी काफी मजाकिये अंदाज में लिखी गई है, लिहाजा आनंद एल राय नहीं चाहते कि लोग सिर्फ इसी बात में उलझे रह जाएं कि शाहरुख बौने आदमी बने हैं, बल्कि दर्शक कहानी को भी महत्व दें। यहां जाने फिल्म पर बात करते करते आनंद एल राय ने क्या कहा, शाहरुख से बेहतर एक्टर नहीं मिल सकता। अपनी फिल्म और शाहरुख खान पर बयान देते हुए निर्देशक आनंद एल राय ने कहा, इस फिल्म के लिए मुझे शाहरुख से बेहतर एक्टर नहीं मिल सकता था। उनमें काफी एनर्जी और पॉजिटिविटी है। शाहरुख हमेशा कहते हैं आराम से खाते पीते फिल्म बन जाएगी। फिल्म को लेकर उत्साहित है, मैं मेहनत से अपनी फिल्म बना रहा हूँ। मैं शाहरुख की पिछली फिल्मों का असर इस फिल्म पर नहीं देखना चाहता हूँ। फिलहाल हम बहुत उत्साहित हैं फिल्म को लेकर। उम्मीद है फिल्म रिलीज के बाद भी ऐसा ही होगा। फिल्म की कहानी, जब आनंद एल राय से फिल्म की कहानी पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, मैं अभी फिल्म की कहानी को लेकर कुछ भी नहीं बताना चाहता। उम्मीद करता हूं कि मैं एक बेहतरीन कहानी दर्शकों के सामने लाऊं। फिलहाल सस्पेंस रहना बेहतर है। 150 करोड़ बजट, शाहरुख खान की इस फिल्म का बजट 150 से 160 करोड़ बताया जा रहा है। माना जा रहा है यह बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में हो सकती है। वीएफएक्स पर काफी काम, इस फिल्म में वीएफएक्स पर काफी काम करना है, लिहाजा इसीलिए फिल्म की रिलीज 2018 तक घिसका दी गई। बता दें, पहले ये फिल्म 2017 दिसंबर में रिलीज होने वाली थी। सलमान खान ने किया था रिजेक्ट। बता दें, इस फिल्म में पहले सलमान खान फाइनल थे, लेकिन फिर उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद प्रोजेक्ट से शाहरुख खान जुड़े, लेकिन अब सलमान फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों खान एक साथ डांस करते नजर आएंगे, और वे भी गमछा डांस।